लोग या आप कस्टम डोमेन सेट करना चाहते हो तो कैसे करते हैं उसके लिए करके देखते हैं। सबसे पहले आप ब्लॉगर में जाइए और ब्लॉगर की सेटिंग में जाइए। फिर वहाँ पर आपको ब्लॉग एड्रेस मिलेगा, वहाँ पर आपको कस्टम डोमेन सेट करना है। तो यहाँ पर अपना जो डोमेन आपने खरीदा वो डालना है। उसके बाद सेव पर क्लिक करने के बाद एरर शो करेगा, तो हमें DNS सेटअप करना है जिस साइट से आपने डोमेन खरीदा उस पे जाके। तो मैंने GoDaddy से ख़रीदा ही, तो उस पे जाके आपको DNS मैनेजमेंट में जाना। वहाँ पर आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे, इनमें चेंजेस करने हैं आपको। तो यहाँ पर नेम लेबल एंड होस्ट फील्ड मिला है www एंड अदर नेम डेस्टिनेशन टारगेट एंड पॉइंट्स टू फील्ड। तो यहाँ पर भी दो रिकॉर्ड्स मिले, इनको वहाँ पर सेट करना अपने को। तो सबसे पहले www वाले को यहाँ से कॉपी करते हैं और इसमें जाके इसको एडिट करना है और सेव कर देना। और बाकी सी नेम को चेंज नहीं करना, नया वाला एक सी नेम ऐड करना। उसके बाद इसका होस्ट नेम यहाँ से अपने को कॉपी करना है और इसका डायरेक्शन और डेस्टिनेशन यहाँ से कॉपी करके वापस यहाँ पर डालना है और इसको सेव करना है। बस दोनों एंट्री डालनी थी। उसके बाद आप ब्लॉग पे जाइए, इसको सेव किए। ये सेव हो गया। अभी ये कस्टम डोमेन ऐड हो गया लेकिन अभी रिडायरेक्ट नहीं हुआ, तो आपको यहाँ से आपको वो पहले वाले यहाँ पर पेज था उसमें आपको 4 IP एड्रेस डाउनलोड मिल जाएगी इस तरह NM रिकॉर्ड के साथ। ए रिकॉर्ड के साथ आपको IP एड्रेस मिलेगी। इन चारों IP एड्रेस को हमने को वापस डोमेन मैनेजमेंट में DNS मैनेजमेंट में डालना है यहाँ पर। तो पहले एक के साथ इसमें एडिट करना है ये वाली IP। और वापस से तीन और अपने को नई एंट्री बनानी है, ए वाली एंट्री और उसमें और वापस यहाँ से IP एड्रेस। ये फाइल आपको वहाँ से डाउनलोड में मिल जाएगी फर्स्ट जहाँ पर एड्रेस हो रहा था, और वैसे सेम होती है ओडेडी वेबसाइट के लिए। इसको सेव कर दीजिए और वापिस एक दो और बनानी है अपने को अभी होस्ट पॉइंट टू। बस एडिट हो गया। अब आप इसको रीडायरेक्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए। अब सेव हो गया ये। उसके बाद आप इसको खोलोगे तो अभी रीडायरेक्ट हो रहा है,
देयर ब्लॉग हैज यूज्ड टू हियर नाउ यू वांट टू डू दैट यस। देखो कस्टम डोमेन सेट हो गया। ओके गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।